सुन 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 साहबा सुन प्यार की धुन, ओ माय डार्लिंग यू मी लुक मेरे सरकार आए हैं। Party come, move around like first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Like enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Hey, hey, slide a ballet, low in the Navy. Hey, hey, take your time, let me know when you're ready. So, hello, namaste, and सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज है 30 तारीख और अभी बजे है 8:45 हो चुके शाम के, और क्लियर दिखा नहीं था तो 8:45 शाम के हो चुके और आज की 30 तारीख है। आज का जो दिन था वो मेरे लाइफ का बहुत ही एक अच्छा दिन था आज का दिन, और उसी के साथ में आज रामनवमी भी आई है तो फिर क्या ही बोले। तो अभी है शोभा यात्रा देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो अभी शाम के 8:45 हो चुके हैं और लेट तो हो ही गया, बट अभी देखते हैं। मैं अभी जिम में आया था और अच्छा खासा वर्कआउट हो चुका है, बहुत दिनों के गैप के बाद मैं फिर से लौट चुका हूँ जिम में, तो बहुत ही अच्छा खासा वर्कआउट हो चुका है। और जैसा कि मेरे तरफ देख के आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा मैंने वेट लॉस भी किया है, अभी ऑलमोस्ट मैंने भी 9 से 10 किलो वेट लॉस कर लिया खुद का, तो अच्छा खासा जा रहा हूँ। बट अभी बहुत गैप हो गई थी मेरी बीच में, तो मैं रेगुलर आ चुका हूँ, तो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है और देखते हैं कि शोभा यात्रा अपने को देखने को मिलती है क्या या फिर नहीं मिलती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी घर पर जाता हूँ और खाना वाना खा के फिर निकलते हैं। तो अभी मंडली बात ऐसी है कि हम घर से निकल गए शोभा यात्रा देखने के लिए, और अभी आपको मेरा आवाज़ कैसे आ रहा है तो मुझे कुछ उसका आइडिया नहीं है, एयरटेल है। तो अभी बज गए हैं 9:48 और हमें निकलने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट अभी पता नहीं हमें शोभा यात्रा कहाँ पे मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो और यहाँ पे हम मेडिकल चौक पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम लेंगे, बारिश भी चालू होगी भाई, गीले होंगे होंगे गीले पीले पीले ओमर। तो यहाँ पे यहाँ से हम अभी जा रहे हैं कॉटन मार्केट स्क्वायर के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने सेटअप किया है उसका मोबाइल थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, बट कर लेना यार थोड़ा सा मैनेज, इस बार अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा ये चीज़ का। तो हमारे साथ में अभी वहाँ पे अभी तो हमारे साथ में अभी एक दुखद घटना हुई है, वो ऐसी है कि अभिषेक ने हमें टाइम पे धोखा दे दिया और वो नहीं आ रहा अभी हमारे साथ। हमें शोभा यात्रा तो दिख गई है, बस अभी ऐसी जगह पे जाके खड़े होना है कि वहाँ से पूरा क्लियर व्यू आ गए हम आए हमें, तो बस वहीं पे जा रहे हैं, क्लियर व्यू वही आए मिल जाए। शोभा यात्रा आ रही है तो मेरा आवाज़ तो आपको आएगा नहीं, पर देखते रहो आप।
तो आज है 31 मार्च और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे घर से। कल हम गए थे रामनवमी की शोभा यात्रा देखने के लिए। एकदम ऐसा अचानक सा प्लान बना था। मैं जिम में था और मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया। वो बोला कि आज हम जाते हैं शोभा यात्रा देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी नागपुर की शोभा यात्रा का कुछ मतलब जो आनंद रहता है और जो लोगों की वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है वो दिखा दिया जाए। इसलिए फिर मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया और आपको वो वीडियो कैसा लगता है तो आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताना। वैसे तो ऐसा कुछ हमारा प्लान था नहीं कि हम जाए, बट फिर सोचा कि अभी फ़ोन आया ही है तो एक यूनिक सा ऐसा कुछ वीडियो बना के देखते हैं इस बार। और इसलिए फिर रामनवमी का वीडियो बना लिया हमने और जो शोभा यात्रा थी तो वहाँ पे भी गए। तो बहुत ज़्यादा देर हम वहाँ पे वैसे रुके हुए थे। और जो बर्डी का जो हल्दीराम है वो हल्दीराम के पास का पूरा एरिया पैक हो चुका था। तो बस इतना ही था आज का ये वीडियो। ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के कंटेंट मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा, ये मेरा वादा है। और ये वीडियो कैसा लगता है आप थोड़ा सा कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर सबके साथ में शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।